Complete Attu. It's all about learning. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट एजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं सुनील सोलंकी आपको RBSC बोर्ड की बायोलॉजी 12th क्लास का पहला चैप्टर आवर्त बीजी पादपों में जनन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे होता है। कंप्लीट आपको इसका सिलेबस करवाया जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में बात करते हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो उससे पहले अपने इस हेडिंग को समझते हैं कि आवर्त बीजी पादप होते क्या हैं। आवर्त बीजी पादप होते क्या हैं? आवर्त बीजी पादप वे पादप हैं जिनमें फल, फूल और बीज तीनों का निर्माण होता है। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है, बीज तो उनमें भी बनते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो पादप है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अनावर्त बीजी पादपों की बात कर रहा हूँ, अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें केवल बीज का निर्माण होता है। मेगास्पोरोफिल होती है, उसके ऊपर सिर्फ बीज का निर्माण होता है। पुष्प यानी कि फूल या फ्लावर, या आपने कह दें कि जो फल है उसका निर्माण नहीं होता। तो आवर्त बीजी ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर पुष्प का प्लस फल का प्लस बीज का तीनों का निर्माण होता है। ऐसे पादप कहलाते हैं आवर्त बीजी पादप, या जिनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। में जनन या रिप्रोडक्शन शब्द से हम क्या समझते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब यही है कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करना या अपने समान संततियों को पैदा करना। जनन का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई भी टाइप है, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक, कोई भी टाइप है, उसके द्वारा पादप अपने संख्या में वृद्धि करे या अपने समान नए पादप को जन्म दे। वो पादप या वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है जनन या रिप्रोडक्शन। आवर्त बीजी पादपों के बारे में बात करें तो आवर्त बीजी पादपों के अंदर जो इनकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी, या जिस पीढ़ी को हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है, या बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जो स्पोरोफाइटिक पीढ़ी जो होती है, ये इसमें मुख्य पादप होता है। इसमें मुख्य पादप होता है और इस आवर्त बीजी पादपों में स्पष्ट रूप से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप आमतौर पर इसमें देख सकते हैं। बीजाणुद्भिद पादप, स्पोरोफाइटिक पादप, इसके अंदर मुख्य पादप होता है। जो युग्मकोद्भिद पादप होगा, या इसकी जो सेकंड जो पीढ़ी जो होती है वो युग्मकोद्भिद होगी, युग्मकोद्भिद पादप होगा, जो कंप्लीट रूप से बीजाणुद्भिद पर डिपेंड करता है। बीजाणुद्भिद मुख्य पीढ़ी है, दीर्घजीवी होती है, लंबे समय तक चलती है, और जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है ये अस्वतंत्र है, अल्पजीवी है और पूरी तरह से डिपेंड करती है बीजाणुद्भिद पर। बीजाणुद्भिद पादप जो मुख्य पादप होता है ये जड़, तना व पत्ती में विभेदित रहता है, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है ये पुष्पों में नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होते हैं, जो जनन में भाग लेते हैं। और बीजाणुद्भिद जो पादप होता है ये जो है द्विगुणित होता है, या 2N स्ट्रक्चर जो बनती है वो इसमें होती है। युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइटिक जो पीढ़ी है वो N स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर इसके अंदर सेल्स की होती है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये बनती है, और ये जो है ये समसूत्री जो विभाजन होता है उसका रिजल्ट होता है। तो इन दोनों के बारे में अपना थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि ये क्या होते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें कि आवर्त बीजी जो पादप हैं इनमें जनन किस प्रकार से होता है, तो आवर्त बीजी पादपों में मुख्य रूप से दो प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में क्या है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता, किसी भी प्रकार से उसके जो युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस जो है वो नहीं चलती। जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा, गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसके अगर अपने परिभाषा की बात करें तो आवर्त बीजी पादपों में जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या युग्मक संलयन और फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, वो जनन जो है वो अलैंगिक जनन कहलाता है।
अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जिसमें से अगर अपने बात करें तो दो जो मुख्य इसमें अपने भागों में इसको बांट सकते हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी अनिषेक बीजता, यानी कि अगर इस अपने शब्द को तोड़े, एगेमोस्पर्मी जो शब्द है इसको तोड़े, तो इस शब्द को ए मतलब होता है बिना या नहीं, दूसरा जो शब्द इसमें बनेगा वो बनेगा गैमस यानी कि निषेचन, तीसरा जो बनेगा स्पर्मी या स्पर्म, स्पर्मी यानी कि बीज। हाँ, इसके शब्द से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एक ऐसा जनन या ऐसा जनन का टाइप एगमोस्पर्मी जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, कि बीज तो बनता है जो भ्रूणकोश में बीज का निर्माण होगा, लेकिन उस बीज के निर्माण में किसी भी प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन की प्रोसेस नहीं होती, केवल सीधा का सीधा क्या होता है, बीज का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटेबल है कि स्टार लगाकर इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि अनिषेक बीजता के फलस्वरूप बने हुए जो बीज होते हैं वो पूर्ण रूप से जननक्षम होते हैं, यानी कि फर्टाइल होते हैं, पूर्ण रूप से जननक्षम होते हैं, बिना बीज जो निषेचन जो बीज जो बना है वो बिना निषेचन के बने हैं और वो बीज पूरी तरह से जननक्षम होते हैं। अनिषेक जनन में ये प्रोसेस चलती है कि हम कहेंगे अनिषेक बीजता, इसको कहेंगे एगेमोस्पर्मी कहेंगे। दूसरा इसका टाइप अगर अपने बात करें कि कायिक या वर्धी परिवर्तन, कायिक यानी कि अगर अपने बात करें कायिक की तो काया या कायिक या बॉडी, यानी कि जो भ्रूणकोश है या जो पुष्प है या जो चीज़ बन रही है उसके अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग से, पादप के किसी भी अन्य भाग से अगर दूसरे पौधे का या दूसरे प्रोपेग्यूल का निर्माण हो रहा है उसे हम कायिक जनन या वृद्धि परिवर्तन कहते हैं, यानी कि बिना भ्रूणकोश की या जो गैमेटोफाइट है या जो पादप का जो पुष्प है उसके अलावा अगर किसी पादप भाग से किसी नए पादप का निर्माण होता है तो वो कहलाएगा कायिक जनन या वर्धी परिवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एडवेंटियस प्रोपेगेशन। ठीक है, इसमें जो पादप का जो भाग, पादप का जो भाग भाग लेगा जनन में उसको हम कहते हैं प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल, प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। ये प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल जो है ये एक नए पादप का निर्माण करेंगे। तो अगर हम बात करें कायिक जो परिवर्धन होगा इसकी दो मोस्ट विधियां हैं, पहला है प्राकृतिक वर्धी परिवर्धन और दूसरा होगा कृत्रिम परिवर्तन। तो अगर हम प्राकृतिक की बात करें कि यानी कि पौधे के भाग से अपने आप ही प्राकृतिक रूप से अगर किसी प्रोपेग्यूल का अगर डेवलपमेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वर्धी परिवर्धन। ये तीन तरीके से हो सकता है, तनु के द्वारा बाय स्टेम, या दूसरा अगर अपन तरीका देखें तो जड़ों के द्वारा या बाय रूट, या तीसरा इसका जो पार्ट होगा वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, एक रह गया लीव्स के द्वारा, या कहें तो पत्तियों के द्वारा इसके अंदर कायिक परिवर्धन होता है। कृत्रिम परिवर्धन वो परिवर्धन होगा जिसमें मनुष्य के द्वारा, इन पादपों में मनुष्य के द्वारा किन्हीं विधियों का या टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है नए पादपों का निर्माण करवाया जाता है, या उच्च गुण वाले पादपों का निर्माण करवाया जाता है। तो एक बार फिर से अगर देख लें कि जो अलैंगिक जनन है इसमें हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के युग्मकों का निर्माण नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। पहला जो उसमें हो जाता है वो एगेमोस्पर्मी होता है, यानी कि अनिषेक बीजता है, बीज तो बनेगा लेकिन बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा। तो प्राकृतिक कायिक परिवर्धन में हम देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक परिवर्धन अगर किस प्रकार से होता है, तो अपने देखा तीन तरह से, देखा तनों के द्वारा, जड़ के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। तो तनों के द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकंद या राइजोम की बात करते हैं। तो ये एक बात याद रखने, भूमिगत तने होते हैं, भूमिगत तने हैं। तना क्या है, तना वो पादप का भाग है जिसमें से
जिसके ऊपर पर्व संधियाँ मौजूद हो, यानी कि नोड्स मौजूद हो और जिनसे पत्तियों का निर्माण हो। तो ये एक भूमिगत तना है, राइजोम प्रकंद जो होता है, और ये विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों के अंदर क्या करता है, भोजन का बहुत सारा फूड अपने अंदर संचित करता है, भोजन संचित करता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, इसकी फेवरेबल कंडीशंस आती है, तो फेवरेबल कंडीशंस आने पर राइजोम जो है वो जर्मिनेट करता है और इससे कुछ छोटी छोटी बड्स निकलती है, कलिकाओं का निर्माण होता है, बड्स का निर्माण होता है, और उन बड से एक नए वायवीय पादप का या वायवीय प्ररोह का निर्माण हो जाता है। तो ये इसके टाइप्स कौन कौन से, या इसके कौन कौन से पादप है जिनके अंदर ऐसा होता है, तो इसके अंदर आप याद रख सकते हो अदरक यानी कि जिंजर को और हल्दी। अदरक और हल्दी है, इनके जो भूमिगत जो तने होते हैं, तो उन भूमिगत तनों से वायवीय शाखाएं निकलती है और उन वायवीय शाखाओं से आगे चलकर नए प्लांट्स का, नए जो है उनका निर्माण हो जाता है। दूसरे की बात करें तो कंद या ट्यूबर्स, ठीक है, ट्यूबर्स या कंद जिनको कहते हैं, कि इनके अंदर पर्व संधियाँ मौजूद होती है, लेकिन कैसी पर्व संधियाँ, डिजनरेटेड अपाश्रित, यानी कि पूरी तरह से उसको पर्व संधियाँ नोड्स नहीं कह सकते, वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे कि अगर अपने बात करें तो हम आलू इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, आलू या जो पोटैटो जो होता है उसके अंदर क्या है कि पर्व संधियाँ मौजूद होती हैं और उन पर्व संधियों से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, इनके अंदर भी भोजन संचित होता है काफ़ी मात्रा में, और उनसे छोटी छोटी शाखाएं निकलना प्रावर्त स्टार्ट हो जाती है जब उनकी अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो जिसे हम आम भाषा में आलू की आंख कह देते हैं, आई ऑफ पोटैटो। और उस आंख वाले क्षेत्र को अगर हम काट करके और ज़मीन के अंदर अगर लगा दें, ज़मीन में लगा दें, तो उससे एक नए आलू के पादप का निर्माण हो जाएगा। इसके अंदर आलू है, आलू के अलावा एक पादप होता है आर्टीचोक, आर्टीचोक नाम का एक पादप है, उसके अंदर भी ऐसा होता है। तीसरा जो तने का जो प्रकार है ये है शल्क कंद, ये भी भूमिगत तना है, इसमें एक से ज़्यादा पर्व संधियाँ होती है या एक से ज़्यादा कलिकाएँ पाई जाती है, और जितनी ज़्यादा इसके अंदर कलिकाएँ होंगी उतने ही प्लांट्स बनेंगे, यानी कि एक कलिका एक पादप का निर्माण कर देगी। ये शल्क के रूप में होते हैं, अपने आम जो अगर बात करें देख सकते हैं किन पादपों में ऐसा होता है, तो अपने देखते हैं प्याज और जो लहसुन है, यानी कि अनियन और जो गार्लिक है, इनके अंदर ऐसा पाया जाता है, दोनों एलिसी फैमिली के मेंबर्स हैं, और इनके अंदर जब इनके अगर एक लहसुन की एक कलिका है, उस कलिका को अपने निकाल करके ज़मीन के अंदर डाल दिया तो उससे एक लहसुन का निर्माण हो गया। यानी कि जितने ज़्यादा हम उसकी संख्या से वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि पादपों की अपनी संख्या में वृद्धि करना, वही तो जनन है, और जनन क्या है। तो शलकंद में क्या है, प्याज और लहसुन जो है वो आते हैं, कि बल्ब कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा बात करते हैं घनकंद की, घनकंद क्या है कि ये एक ऐसे, ये भी भूमिगत तने हैं और इनके अंदर भी भोजन संचित होता है, लेकिन फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है, इनके अंदर वृत्ताकार नोड्स पाई जाती है, नोड्स जो होगी वो सर्कुलर होगी, सर्कुलर नोड्स पाया जाता है। जैसे कि अपने बात करते हैं अरबी की, कोलोकेशिया कहते हैं अरबी है, ठीक है, तो अरबी के अंदर आप कभी गौर करना कि उसके अंदर एक बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाएगी रिंग लाइक, और उसके ऊपर एक नोड मौजूद होगी। हम उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को काट करके अगर ज़मीन में लगाएंगे तो ही वहीं से क्या होगा, एक पादप का निर्माण होगा, उसे क्या कहते हैं, घनकंद। इसका एग्जांपल आपका है अरबी, ठीक है, अरबी, या अरबी को कहते हैं कोलोकेशिया, ठीक है। थर्ड जो बात करते हैं अपने ऊपरी भूस्तारी या रनर्स की बात करते हैं, ऊपरी भूस्तारी कुछ ऐसे भूमि के ऊपर वाले जो तने हैं, ये भूमि के ऊपर क्षैतिज वृद्धि करते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और इनकी जो नोड्स होती है उनसे नीचे की तरफ तो क्या निकलेगी, जैसे कि ये कोई क्षैतिज है और ये इस तरीके से निकलेंगी, तो इनकी जो नोड्स होंगी यहाँ से, तो ये नोड्स हैं इनकी, इन नोड से तो क्या निकलेगा, ऊपर की तरफ तो एक पत्तियों का निर्माण हो जाएगा और नीचे की तरफ जड़ें निकलेगी। अगर हम इस नोड्स को यहाँ से और यहाँ से काट देते हैं, इतने पार्ट को काट देते हैं और काट करके लगाते हैं, तो उससे एक नया जो है प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। ऐसा आप देखने को मिलता है अपनी जो दूब घास जो होती है, दूब घास जिसको साइनाडोन कहते हैं, साइनाडोन या दूब घास, या इसके अलावा सेंटेला नाम का एक पादप और होता है, उसके अंदर क्या है, रनर्स जो है या ऊपरी भूस्तारी, देखो ऊपरी भूस्तारी यानी कि जमीन के ऊपर ऊपर,
जमीन के ऊपर ऊपर क्या करेंगे, ये चलेंगे और ऊपर की तरफ क्या निकाल देंगे, पत्तियां, और नीचे की तरफ जड़ों का निर्माण कर देंगे। ये भी तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है। इसे ऊपरी भूस्तरी रनर्स, दूब घास और सेंटेला, दो एग्जाम्पल इनके याद रखना। तीसरा अपने बात का अगला जो बात है, जो टाइप आएगा वो है अंतः भूस्तरी या सकर्स। अंतः भूस्तरी नाम से स्पष्ट, जमीन के अंदर होंगे और अंदर के अंदर क्षैतिज वृद्धि करेंगे, अंदर ही जमीन के क्षैतिज वृद्धि करेंगे और जड़ों का निर्माण करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अंदर जो आप एग्जांपल याद कर सकते हैं अपने किसका, जैसे कि है अपना पुदीना यानी कि मिंट। इसके अंदर देखेंगे कि जमीन के अंदर पादप चलेगा थोड़ी दूर तक, और थोड़ी दूर चलने के बाद में उसके ऊपर से एक पत्ती निकल जाएगी और वो एक पादप बन जाएगा और नीचे एक जड़ का निर्माण कर देगा। तीसरी जो बात करें अगला जो है अपना दो है भूस्तरी या स्टोलन। भूस्तरीय स्टोलन क्या होता है, ये जो तने होते हैं कुछ दूर तक वृद्धि करते हैं और वहाँ से एक नए पादप का निर्माण कर देते हैं, और ये आपने को देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी में। इनके एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, कि प्रश्न आता है किस प्रकार से, कि भूस्तरिका का कोई एग्जाम्पल बताओ या अंतः भूस्तरी सकर्स का कोई एग्जाम्पल बताओ। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न एक नंबर आधे नंबर में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पादप है जो राइजोम के द्वारा कायिक जनन करते हैं, या कौन से ऐसे पादप है जो ट्यूबर के द्वारा, जो कंद के द्वारा कायिक जनन करते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल्स है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा जो अंतिम जो पार्ट रह गया अपने पास वो है भूस्तरिका, वो है भूस्तरिका या ऑफसेट। ये जो है मोस्टली आपको जलीय पादपों में देखने को मिलेगा, जलीय पादप जैसे कि आपकी जलकुंभी है, हाइसिंथ है, जलीय हाइसिंथ जिनको बोलते हैं, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक जड़ से नीचे की तरफ, या एक जो तना है ये, इस तने से क्या निकलेगा, एक और ऑफसेट निकल जाएगा और दूसरा पादप इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। इन पर्वसंधियों से एक इस प्रकार से समांतर रूप से एक शाखा निकलती है और आगे से आगे निकलेगा। तो भूस्तरी का याद रखना कि जलीय पादपों में भूस्तरी स्ट्रॉबेरी जो है उसके अंदर होता है, अंतः भूस्तरी पुदीना के अंदर, और राइजोम है ट्यूबर। इनके एग्जाम्पल जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में अक्सर। तो अगला जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अपने देखेंगे कि जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। जड़ों के अपने देखते हैं दो तरह के टाइप होते हैं, एक होती है मुसला मूल जिसे अपने कहते हैं टैप रूट्स, और तीसरी अपस्थानिक जड़ या एडवेंटिस जो रूट होती है, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होते हैं। यानी कि इनका बहुत ही सिंपल वे में होता है कि मुसला जड़ों के अंदर क्या होता है कि जड़ कुछ दूर तक वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद में उसमें से कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है, और उन कलिकाओं से क्या होता है कि नए पादप का निर्माण हो जाता है। कि मुसला जड़ों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपको शीशम यानी कि डलबर्जिया या शिशु, जो डलबर्जिया शिशु जो प्लांट है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, या जो अमरूद है, अमरूद का जो पादप है उसके अंदर भी आपको मुसला जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद एडवेंटेज जो रूट है, जब अपस्थानिक जड़ें हैं वो भी कई जगह पर क्या करती है, जड़ों का अपने से आगे बढ़कर निर्माण कर देती है। जैसे कि शकरकंद या जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसके अंदर क्या है, नीचे की तरफ कुछ जड़ों के ऊपर कुछ कलिकाएं पाई जाती है, और उन कलिकाओं वाले भाग को अगर जमीन में रोपित कर दिया जाए या अलग कर दिया जाए तो उससे एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये जड़ों द्वारा बहुत ही सिंपल वे में होता है। कि शीशम याद रखना है आपने, मुसला जड़ों में शीशम और अमरूद, और अपस्थानिक जो जड़ें हैं उनके अंदर जो फ्लैशी रूट्स होती है, मांसल जड़ें, जैसे कि आपको स्वीट पोटैटो या जो शकरकंद है उसके अंदर इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगला जो कायिक प्रवर्धन का जो टाइप होगा वो होगा पत्तियों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन है उनमें कौन कौन से पादप आते हैं और कैसे होते हैं। यानी कि पत्तियों से, पत्ती की जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर अपने देखें, ये मान लीजिए कोई एक प्लांट लीफ है, इस प्लांट लीफ की जो साइड वाली जो पार्ट है, यहां से या इस जगह से या इस कोने से बिल्कुल छोटी छोटी अगर कलिकाओं का निर्माण हो जाता है, और इन कलिकाओं को अगर हम काट करके कहीं लगा दें तो उनसे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि अपना पादप है जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम, इसमें आपको पत्तियों के द्वारा कायिक जनन का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा बिगोनिया है इसमें, और एक पादप होता है क्लांचो, क्लांचो नाम का एक पादप होता है। इस क्लांचो पादप के अंदर क्या है, आपको पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। लेकिन ब्रायोफिलम का जो
पत्तियों के द्वारा एडवेंट जो कायिक प्रजनन करना है वो थोड़ा सा अलग होता है बिगोनिया और क्लांचों की तुलना में। किस प्रकार से कि अगर आपने देखें कि पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है वो कुछ इस तरीके से कुछ खांचे सी होती बनी है, उसके अंदर पत्ती के अंदर कुछ खांच नुमा स्ट्रक्चर बनती है, और ये जो खांचे आप देख रहे हैं ये ग्रूव्स जो है इन ग्रूव्स से कलिकाएं निकलती है। ये जो ऊपर की तरफ जो आपको जो दिखेगी आपको इन जो बाहर की तरफ से पत्ती थोड़ी सी कटी हुई सी होती है अंदर की तरफ दसी हुई होती है उनके अंदर से कलिकाएं का निर्माण होता है, और उन कलिकाओं को अगर हम अलग लगा दें तो एक प्लांट बन जाता है। लेकिन अगर बिगोनिया और क्लांचों की बात करें तो बिगोनिया और क्लांचों के अंदर ये मान लीजिए कोई एक लीफ है, प्लांट की लीफ है, तो इस प्लांट लीफ के अंदर क्या है कि इसका जो सिरा विन्यास है, इसका जो सिरा विन्यास है उस सिरा विन्यास से कलिकाओं का निर्माण होता है, सिरा विन्यास से कलिकाओं का निर्माण होता है, और ये कलिकाएं आगे चलकर एक नए पादप को जन्म देती है। या जो बिल्कुल पत्ती का जो एक पर्णवृंत जिसको बोलते हैं अपने पीटियोल जिसको बोलते हैं, पीटियोल के बगल से बिल्कुल यहाँ से कुछ कलिकाओं का निर्माण हो सकता है। ये बिगोनिया और क्लांचों के अंदर जो पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है और पत्थर चट्टा में जो पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है उनके अंदर एक हल्का सा फर्क है कि पत्थर चट्टा में तो जो पत्ती के ऊपर उपस्थित जो खांचे हैं उनसे जो है एक नई कलिका निकलेगी, और क्लांचों और बिगोनिया जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो शिराविन्यास है, जो शिराविन्यास है उससे छोटी छोटी कलिकाएं या बड्स का निर्माण होगा और आगे चल करके वो नए प्लांट्स का निर्माण कर देगी। तीसरा जो टाइप एक रहता है कि जनन संरचनाओं के द्वारा कायिक परिवर्धन, जनन संरचनाएं यानी कि कई बार कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि जनन संरचना यानी कि जहां से पुष्प का निर्माण होना है, पादप का वो भाग जहां से पुष्प का निर्माण होना है या जो जो प्ररोह है जिसके ऊपर पुष्प लगना है थैलेमस पर, वहां पर बस एक हल्की सी एक संरचना कुछ इस प्रकार की बन जाती है बद संरचना। इस संरचना को अपने पत्र प्रलिका या बल्बिल कहते हैं, और ये बल्बिल जो है ये टूट करके भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर गिरने के बाद एक नए प्लांट को जन्म दे देती है। ये आपको जैसे कि अगेव जो प्लांट है उसमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी अगेव के अंदर, या एक जो प्लांट है अगेव के अलावा रामबांस या रतालू वगैरह जो प्लांट्स हैं इनके अंदर पत्र परिकलिका या बल्बिल्स का निर्माण हो जाता है और नए पादप बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर देखें तो मूसला जड़ों की बात करें कि कायिक परिवर्धन या पूरे चैप्टर को और थोड़ा सा जिस पॉइंट को अपने पढ़ा है कि जो कायिक जनन प्राकृतिक जो विधियां हैं कायिक जनन की तनों के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा होते हैं, और इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। हमने तनों के द्वारा देखे कि किस प्रकार से तने जो है वो कायिक जनन में भाग ले रहे हैं, जड़ें हैं और पत्तियां जो है उनमें हल्का हल्का डिफरेंस है। मेनली इनके अंदर एग्जाम्पल्स की बात है कि एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कई बार कि कंद के द्वारा एग्जाम्पल होने वाला है भूस्तारिका के द्वारा या अंतःभूस्तारिका के द्वारा अगर जो कायिक जनन हो रहा है, या जड़ों द्वारा कायिक जनन हो रहा है या पत्तियों के द्वारा हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि किन प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। तो आप इनकी डिटेल्स अगर याद रखोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आज के जो इस पॉइंट में इतना ही, आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।